काश तू भी कभी दिखाई दे। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा। जब तुम मेरी जिंदगी से जा चुके हो जीशान, तो पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम तो रास्ते से ही मुड़ गए थे ना, फिर क्यों हर कदम हर मोड़ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो? मैं किसी और से कुछ नहीं कह सकती, पर तुमसे आज कह रही हूं, निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा कभी मेरे गुमान में भी मत आना। खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। आप भी मुझसे नाराज हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे अम्मी अब्बू को दुख पहुंचे। खुदा ना खासा कोई तुम्हें बहला फुसला कर ले जाता, तुम्हें कोई अगवा कर लेता तो क्या होता हम सबका? और तुम्हारे दिल में यह ख्याल भी कैसे आया घर छोड़ने का? तुम्हें पता है तुम आखिरी उम्मीद हो अम्मी अब्बू की, और तुमने उसे भी तोड़ दिया। I'm sorry, शिफा पे। Sorry? जैन, तुम्हारे इस सॉरी से ये गलती मिट नहीं जाएगी। और तुम्हें पता है सब तुमसे इसलिए नाराज नहीं है कि तुम घर छोड़कर गए हो, बल्कि इसलिए नाराज है कि तुम तमाम उम्र ये गलती ना करो और आइंदा ये गलती करने से बाज रहो। अच्छा, अब जल्दी से उठो, हाथ मुंह धोकर आओ, मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ है। जल्दी आओ। अम्मी ये देखें, यही है ना? दिखाओ। देखो तेरा ये आलम है, बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया। इसीलिए तो उस दिन उन्होंने हमें पहचान लिया था और हमने उन्हें। और मेरे ख्याल में ये उनका बेटा है शायद। दिखाओ, है ना? हाँ, अब देखिए यही इनका बेटा होगा। देखिए तो माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल और सूरत पाई है। हमारी ईमान के साथ अच्छा लगेगा। ठीक कह रही हैं भाभी, हमारी ईमान के साथ बहुत अच्छा लगेगा। यकीन करें बीजान, आपका चेहरा देखकर मेरा आधा दुख कम हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मुकर्रम आके मेरे सामने बैठ गया। बीजान अक्सर आपको याद किया करती थी। जी, बस किस्मत का लिखा कह लें या मेरी नाअहली कि मैं आप लोगों से राब्ता नहीं रख सका। छोड़ो बेटा, पुरानी बातें उन्हें दोहराने से क्या फायदा, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जी बीजान, ये मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके दोनों बेटे वही हैं, आए नहीं? आए हैं मेरे साथ, इत्तेफाकन उस दिन बड़े बेटे से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन तौसीफ के घर पे वो मेरे साथ ही था, तो माशाल्लाह सारा बिजनेस संभाल रहा है। माशाल्लाह। और छोटा बेटा? वो इस वक्त पढ़ रहा है, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया है। अच्छा अच्छा, अल्लाह कामयाब करे। आमीन आमीन। और बड़े साहबजादे, उनकी शादी कर दी क्या? नहीं बीजान, वो पहले बहन की शादी करना चाहता था। समन ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना फर्ज निभाना चाहता था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि फौरन बहू ले आऊं। अगर आप पूरा ना माने तो मैं
ईमान का रिश्ता मांगने आपके घर आ सकता हूँ आहत के लिए। क्या हुआ, आपको बुरा लगा शायद? मैंने एकदम से इसलिए कह दिया कि आप तौसीर से रिश्ता तय करना चाह रही थी, तो क्योंकि वो अब टूट चुका है तो मैंने सोचा कि अपने घर के बच्चे हैं, आप बेशक चाहें तो पहले आहत को अच्छी तरह देख लें। मेरा बेटा वैसे बहुत सादतमंद है और बुलंद किरदार का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बच्ची भी ऐसे ही होगी। ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन हम लोगों के चुप होने की वजह यह है कि हमारे बच्चे को तलाक हो चुकी है। और भाई सब जाहिर सी बात है, आप अपनी बेटी की शादी हमारी तलाक याफ्ता बेटी से तो करना नहीं चाहेंगे। हालांकि देखो आलम, हमारी बच्ची पर तो रुख्सती से पहले ही कयामत टूट गई और लोग तो बस। ईजान, मैं इतना तंग नजर इंसान नहीं हूँ, यकीन करें अभी तो मुझे उस बच्ची से और ज्यादा हमदर्दी हो गई है, लेकिन आहत से मैं एक दफा जरूर पूछना चाहूंगा। हाँ आलम, बच्चे से जरूर पूछ लेना, और अगर उसकी मर्जी ना हो तो जोर ना देना, हम लोग भुगत रहे ना जबरदस्ती का नतीजा। हाय आती। हेलो, तुम्हें आज मुझ में कुछ चेंज नजर आ रहा है? नहीं तो, बाय द वे तुम्हारे वही दो कान हैं, वही दो पैर हैं, वही दो हाथ हैं, इनफैक्ट तुम्हारे सर पे भी सींग नहीं है। मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, अच्छा लग रहा है ना ये लुक मुझ पे? हाँ बहुत। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें मेरा ये नया हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। हाय शिफा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा ड्रेस पहना है तुमने। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, घास नहीं डाली ना उसने तुम्हें? हाँ, इसलिए कि मैं जानवर नहीं हूं। जी सर, आज बैंक से अपॉइंटमेंट था, मैंने 8 वर्क्स डिलीवर कर दिए हैं, वो पहुंच जाएंगे, मैं आधे घंटे में आपसे मिलती हूँ। सर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है? कोई है? प्लीज इनको उठाएं। तुमने जो मेरे लिए किया है बेटे, वो तो कोई सगा भी नहीं करता। कौन हो तुम? बेटी भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। माफ करना, तुमने जो मेरी जान बचाई है ये एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया। मेरे ख्याल में आपके ड्राइवर ने घर पे आपके इत्तला दे दी होगी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बेटी। जी। तुम्हें बहुत सी दुआएं देने को दिल करता है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बाबा, किधर है बाबा? अच्छा वो सर आप आगे, बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो एक लड़की, यही वो लड़की है सर। सर ये आपने क्या किया,
इस लड़की की मदद से तो मैं लाया था बड़े साहब को यहां तक। ये लो जाके आइसक्रीम खा लो। दादी अगर मामा को पता चल गया वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ ना, मुझे पता है ताहिरा ने सबको मना किया तुम्हें पैसे देने से, लेकिन मैं हूँ ना दादी के होते हुए मेरा बच्चा भी अपना दिल को मारे। थैंक यू सो मच दादी। चल जाके आइसक्रीम खाओ, दूर नहीं जाना ज्यादा, चल। ठीक है। तुम पता है जब जिशान को मुझे पैसे चाहिए होते थे तो वो क्या करता था? क्या कहता था दादी? शैतान कहेगा, कभी मेरी तस्वीर छुपा देता था और कभी मेरी जानमाज। कहता था दादी अगर मैं आपकी ये चीजें ढूंढ के दूंगा तो क्या इनाम देंगे आप मुझे। वो शैतान था, वो सबका लाडला। जरा इधर उधर हो जाता तो सब परेशान हो जाते थे। चच्ची भी? क्या वो भी परेशान होती थी? चाची की गोद में तो वो पला बड़ा था, वही उसके सारे काम करती थी। उसको स्कूल भेजना, उसकी पसंद के खाने बनाना, उसके कपड़े बनाना, बहुत लाड करती थी उसे। बेमिसाल मोहब्बत थी उसकी। और शायद अब नफरत भी। ये क्या किया तुमने? उस लड़की का एहसान मानने के बजाय तुमने उसे इनाम में दिया भी तो एक थप्पड़। पापा मेरा यकीन कीजिए कि जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हो गया। मैं तो उसको जानता तक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? माफी तो तुम्हें उससे मांगनी चाहिए। पता नहीं कौन थी वो लड़की, उस भली बच्ची का मैं नाम भी नहीं पूछ सका। तुमने ठीक नहीं किया, न जाने क्या सोचती होगी वो। अच्छा पापा प्लीज आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचो, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो जाओ जाके उस लड़की को ढूंढो और सॉरी करो उससे। अच्छा पापा प्लीज मैं जाता हूँ, आप मत फिक्र करें इस बात की। कुछ चेहरे अनजान होकर भी अपने लगते हैं बेटा। जब उसने मुझे पुकारा ऐसे लगा जैसे समन ने मुखातिब किया हो मुझे। ऐसे लगा जैसे मैं समन के हाथों में गिरकर बेहोश हो गया हूं।
अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? उन पुरानी यादों को राख कर रही हूँ जिन्हें तुमने इतना संभाल के रखा है। अम्मी प्लीज ये मत करें। अम्मी क्यों क्यों आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए दर्द है? कहीं आज भी तुम उसका इंतजार तो नहीं कर रही हो? बोलो बेटा झूठ है क्या ये तस्वीरें बोल रही हैं कि उसके चले जाने के बावजूद भी तुम उसे नहीं भुला पाई? क्यों बेटा दिल के मुकदमे में जिशान की मोहब्बत के सामने तुम और कितना आरोगी? अगर उसे चाह होती तो वो ऐसा नहीं करता, मगर उसके दिल में तुम्हारे लिए चाह तो क्या रिश्ते की मुरब्बत भी नहीं थी। ताक में रखी हुई किसी चीज की तरह भूल गया तुम्हें। बेटा तुम भी जिशान की बेवफाई को कबूल कर लो। अब पुरानी चोट को इस तरह छुपा के रखोगी ना तो कभी नहीं भरेगी। मरहम भी तभी काम करता है जब इंसान खुद दर्द से निकलना चाहे। इस एक तरफा मोहब्बत का राख हो जाना ही बेहतर। ये लीजिए चाय। क्या अबू हर वक्त आप किताबों में ही मसरूफ रहते हैं? शुक्रिया बेटा। अरे ये अच्छे हमसफर की तरह हमेशा मेरे साथ रही हैं। तन्हाई का बेहतरीन साथी। इसका मतलब जिशान भाई को ये शौक आपसे मिला है? सॉरी अबू, मुझे सुशांत भाई की बात नहीं करनी चाहिए थी। औलाद कितनी ही बुरी नाफरमानी क्यों ना हो वो माँ बाप के दिल में हमेशा रहती। तुम्हारी माँ तो फिर कमरे में बंद दरवाजे के पीछे रो लेती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ और अपने दुख से ज्यादा मुझे ईमान का दुख। जिशान का बाप बनकर मैं उसे माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन जब ईमान का बाप बनकर सोचता हूँ तो जिशान का गुनाह नाकाबले माफी है। किसी का दिल दुखाने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। कर रही हो मुझे? जितना तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहता हूं तुम मुझे उतना ही गलत समझती हो। आई एम ट्रूली सिंसियर अबाउट यू शिफा, आई ट्रूली लव यू। कभी तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। वो बड़ी सब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है मैं आता हूं, आप चलो। अच्छा लीजिए बाबा, आ गया आपका खाना। इट्स ऑल हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। वाह, कोई ऑयल नहीं है इसके अंदर।
हेल्दी और न्यूट्रिशियस बेटा, इस किस्म का परहेजी खाना खा के तो मैं वक्त से पहले ही मर जाऊंगा। बाबा आपने फिर मर दिया। एक्चुअली बाबा का कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी लड़की पे मर मिटेंगे जो खाना अच्छा बनाती हो। बाबा मुझे भी दीजिएगा। जी आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन पहले तुम दोनों नालकों की लगाम खींचने के लिए बहुएं ले आऊं मैं। व्हाट डू यू मीन बाबा, आप भाई के साथ साथ मेरी शादी भी करा दें? लड़कियां अच्छी मिल गई तो दोनों की एक साथ ही करा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच बाबा। आप एक काम करें, आप भाई के लिए लड़की ढूंढ लें, मैं खुद के लिए खुद ढूंढ लूं। सुन रहे हैं बाबा? सुन भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। इसलिए आदमियां, अगर तुम्हारी भी कोई पसंद है इस नालायक की तरह तो बता दो भी सर। वैसे भाई एक बात बताऊं, आप बहुत छुपे रुस्तम इंसान, यकीनन आप किसी न किसी लड़की से मोहब्बत जरूर करते होंगे। बाबा किसकी बातों में आ गए आप? मेरी तो आज तक लड़की कोई दोस्त नहीं रही, तो मोहब्बत क्या होगी मुझे? एक बात आप मान लें, आप एक सख्त दिल इंसान। हाँ भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। क्या बाबा आप भी? अच्छा छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि वो कौन लड़की थी जिसे आपने थप्पड़ मारा था? पहली बात तो ये कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा था, गलती से मेरा हाथ लग गया था और मैंने उसे गौर से देखा भी नहीं। यही तो मसला है इसका, ये किसी को देखता ही नहीं है। अगर देखे तो कोई इसके दिल को भाए ना। ईमान बेटा, तुम्हारे और शमीम के बीच में कुछ हुआ है क्या? सब कुछ तो आपके सामने ही है, कोई नई बात हो तो बताओ। बेटा अपनी माँ का ख्याल रखा करो, वो तुम्हारी फिक्र में घुली जा रही है। मुझे तो लगता है मैंने पैदा होकर ही गलती कर दी। नहीं ईमान, ऐसे नहीं कहते बेटा, मायूसी तो तुमसे डरती है और आज तुम पर हावी हो गई। तुम तो बड़ी बहादुर हो, तुमने हम सबको संभाला है, ना उम्मीदी को उम्मीद में बदला है। जिस तरह ढाल बनकर तुमने हालात का मुकाबला किया है कोई नहीं कर सकता। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। बड़ी खुशफहमी थी मुझे, हमेशा समझती रही कि इस घर की जिम्मेदारियों ने ईमान को शादी से रोके रखा है, लेकिन नहीं, वो आज भी जिशान को अपने दिल में बसाए उसका इंतजार कर रही है। कैसी माँ हूं मैं जो अपनी बेटी को समझने के दावे करती है, इतने सामने की बात ना समझ सकी? आपने, मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घुट घुट के मरते नहीं देख सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, शमीम बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? जी भाभी बस क्या बताऊँ, गुजर रही है बस। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? अल्लाह आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन आमीन, आपको भी। बस माजरत चाहता हूँ, कुछ मसरूफियत थी इसलिए आपकी खैर खैरियत ना मालूम कर सका। कोई बात नहीं, आपने नहीं पूछा तो मैंने पूछ लिया।
घर की ही तो बात है, वो भाई साहब आपने उस दिन जिक्र किया था ना कि आप अपने बेटे से बात करेंगे ईमान के सिलसिले में, तो क्या बात हुई आपकी? जी बस माजरत, बीच में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो बात करने का बस मौका नहीं मिला। अब कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं आपको ना ईमान की पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देती हूँ, आप भी देख लीजिएगा और साहबजादे की राय भी ले लीजिएगा। जी भाभी भेज दीजिएगा। बस एक गुजारिश है कि फैसला अगर आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो तो बुरा मत मानिएगा। नसीबों के लिखे पे कैसी नाराजगी भाई साहब, वो तो आपने जिक्र किया था उस दिन तो मैंने पहल कर दी, वरना हम जानते हैं कि हमारी बेटी तलाक याफ्ता है। नहीं नहीं भाभी, क्यों गुनाहगार करती है? बस मेरी अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाने की आदत नहीं है और उनकी खुशी हमेशा से मेरी पहली तरजीह रही है, बस इसलिए। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? इन चार सालों में तुम अपने भाई की आवाज तक भूल गई हो। भाई? हाँ, वो आपसे बात करने के लिए। जानता हूँ, सब लोगों ने पाबंदियां लगाई है ना मुझसे बात करने, शिफा ये पाबंदियां ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। मैं वापस आ रहा हूं। हेलो शिफा, सुन रही हो ना तुम? मैं वापस आ रहा हूं। किस मिट्टी के बने हुए हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहां वापस आ रहे हो? किस मुंह से वापस आओगे? कुछ शर्म है आए तुम्हें? अगर जरा सी भी इंसानियत है ना तुम्हें, यह गैरत है, तो जहां हो वहीं रहो। यहां वापस आकर हमारे जख्मों को ताजा करने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं तुम्हें फरना क्या चाची, चांद से मार देंगे मुझे। मैं मरने के लिए ही वापस आ रहा हूं, पर ये जो ईमान की वफाओं और मोहब्बत का बोझ मेरे दिल पर है ना, इसे उतारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं चाची। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी, जुगनू बने हैं ये सपने हमारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे।
आप सब लोग ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर जिशान ने इस घर में कदम रखा तो ये घर दो हिस्सों में बट जाएगा। दाना खासा शमीम, क्यों घर में फूट डालने की कोशिश कर रही हो तुम? मैं फूट डाल रही? मैं कुछ कहूं या मैं कोई काम करूं, मैं ही गलत होती हूं? क्यों बीजान, घर के बंटवारे की बात तो मैंने आज की, लेकिन मेरी बेटी के जिंदगी के कई साल दो हिस्सों में बट के रह गए, जिसका ज्यादा हिस्सा तो उसके हिस्से में आया ही नहीं, वो तो किसी और के हिस्से में चला गया। ये घर तुम्हारा है शमीम, बिलाशुबा इस घर के लिए तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और जीशान को इस घर में आने की इजाजत ना पहले दी थी और ना अब देंगे। कैसे मान लूं मैं भाईजान, मैं अपनी आंखों के सामने अब सबका दिल पिघलते हुए देख रही हूं उसके लिए, इसीलिए तो उसे शह मिली कि उसने शिफा को फोन किया। पता करता हूं उस बदबख्त की हिम्मत कैसे हुई यहां फोन करने की। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या ये समझता है कि उसके लिए हमारे दिलों में कुछ जगह है? क्यों नहीं भाई साहब, जब एक बहन का दिल अपने भाई की आवाज सुन के दुख सकता है तो माँ बाप का क्यों नहीं पिघल सकता। बस भाई जान, अब फैसला आपने करना है, अब ये आप पे है कि आपने उस बेटी का मान रखना है जो इस घर के लिए कुर्बानियां दे रही है, या उस बेटे का जो इस घर से कुर्बानियां मांग रहा है। भी देखना किस्मत में लिखा था, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को संभाला था और अब वो फिर हमारे जख्म हरे करने आ रहा है। सब कुछ तो उसने अपने हाथों से खुद खत्म किया था। इस उम्र में अब बचा कुचा सुकून जो रह गया है वो भी छीनना चाहता है। मैं तो ईमान का सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, उस पर क्या बीतेगी भाई, वो अकेला तो नहीं आएगा ना, अपने बाल बच्चों समेत आएगा। तुम्हारा अगर उससे कोई रابطہ है तो उसे मना कर दो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने कभी भी आपकी हुकूमत दौली नहीं की है, मगर मैं चाहती जरूर हूं कि जिशान की सजा में कमी हो ताकि ईमान के ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि उसके होते हुए वो आए। कैसी बातें कर रही ताहिरा, मैं जानती हूं तुम भी माँ हो, ममता के हाथों मजबूर हो, लेकिन क्या करें हालात ही इतने मुश्किल हैं। अगर वो यहाँ आया तो घर का सारा निजाम बिगड़ जाएगा, सारे रिश्ते मोतियों की तरह बिखर जाएंगे और हम सब ने जो कुर्बानियां दी हैं वो सब रायगां जाएंगी। क्या फर्क पड़ना है बीजान, सिवाय अपने आप के उसने कब किसी और के बारे में सोचा है? पहले भी अपने बारे में ही सोच रहा था और अब भी अपने बारे में ही सोच रहा है। मैं शमीम के फैसले से मुत्तफिक हूं, जीशान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा।
प्रोडक्ट की लॉन्च डेट करीब है, तुम क्या कर रहे हो? अगर मॉडल के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो तानिया से कहो ना दूसरी मॉडल अरेंज करेगी। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। क्या हो गया है? हाँ ठीक है, इसको करो, अल्लाह हाफिज। बेटा तुम्हारे ऑफिस वाले तो बड़े जालिम हैं, ऑफिस में भी मेहनत कराते हैं, घर में भी काम भेज देते हैं। अम्मी ये मेरी ड्यूटी है। देखो ईमान, मेरी सोच मेरी फिक्र मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी तो बस इतनी सी आरजू है कि तुम आजाद फिजा में जियो। और आपके नजदीक आजादी क्या है ये मैं समझती हूँ। बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, अपनी हर जिम्मेदारी से लाताल्लुक हो जाना, अपने लिए जीना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, यही है ना आपके लिए आजादी? ये आजादी नहीं है अम्मी, खुद परस्ती है, खुद गर्जी। एक आम एग्जाम्पल है, एक ईंट ही दूसरी ईंट को मजबूत करती है। हमारे घर का हर फर्द एक ईंट की मानिंद है अम्मी। कोशिश करें कि हमारे घर की दीवारों में दरारें ना हो। चाहती तो मैं भी यही हूं, लेकिन शायद किसी को यह मंजूर नहीं। किसकी बात कर रही हैं? किसी के नहीं, मुझे जरा अपना फोन दो। काश तू भी कभी दिखाई दे।